हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हम कुछ बेसिक बातों को समझेंगे, ठीक है? चलिए, एक्ट का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। देखो, सबसे पहले तो आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए। किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास बेयर एक्ट होना ही चाहिए। जब आप बेयर एक्ट खोलोगे तो आप देखोगे कि पहले पेज पर लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। उसके जस्ट नीचे जब आप आओगे तो वहां लिखा रहता है एक्ट नंबर इतना ऑफ दिस ईयर। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के केस में नीचे एक लाइन आपको मिलेगा जहां लिखा है एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882। इसका क्या मतलब? इसका मतलब बस इतना सा है कि इन द ईयर 1882 जितने भी एक्ट्स बनाए गए उन एक्ट्स में इसका कौन सा नंबर है? फोर्थ नंबर है, इसलिए वहां लिखा रहता है एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो देखो, एक्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। दो वर्ड्स के मतलब को सबसे पहले हमें समझना होगा, एक ट्रांसफर और दूसरा प्रॉपर्टी। देखो, ये जो आपका सब्जेक्ट है इसे मैं अपने खुद के नोट से आपको पढ़ाऊंगा, और यकीन मानिए जितना मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप उतना अच्छे से पढ़ लेते हो, नोट्स बना लेते हो, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। क्लियर? चलिए, तो दो वर्ड्स हैं, एक है ट्रांसफर और दूसरा है प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट डू मीन बाय ट्रांसफर? ट्रांसफर से आप क्या समझते? देखो, कह रहा है ट्रांसफर डील्स विद ट्रांसफरिंग ऑफ एनी गुड्स और थिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, कॉमन सी बात है। ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ एनी गुड्स स्लैश थिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये होता है ट्रांसफर। यानी ट्रांसफर में जो गुड्स है वो एक पर्सन से, या जो चीजें हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाती है। यहां पे क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी जो ट्रांसफर होगा वो किस चीज का होगा? प्रॉपर्टी का होगा। चलिए, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? देखो, प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो कोई भी वैल्यूएबल एसेट्स जिसके ऊपर हम ओनरशिप को क्लेम कर सके, या एनी वैल्यूएबल एसेट ऑन विच ओनरशिप कैन बी इंपोज्ड, उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, तो व्हाट डू मीन बाय प्रॉपर्टी? एनी वैल्यूएबल एसेट ऑन विच ओनरशिप कैन बी इंपोज्ड। ये मैं जो भी चीज लिख रहा हूं आप नोट्स बनाते रहो साथ साथ। ठीक है, एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? एग्जांपल ये शर्ट जो मैंने इस समय वेयर किया हुआ, एग्जांपल वो मोबाइल जिससे वीडियो बन रहा है, एग्जांपल ये टेबल, ये व्हाइट बोर्ड, ये सभी क्या है? प्रॉपर्टीज। दीज ऑल आर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोई भी वैल्यूएबल एसेट जिसके ऊपर ओनरशिप इंपोज की जाती है उसे कहते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये हो गया ट्रांसफर का मतलब, ये हो गया प्रॉपर्टी का मतलब। अब एक केस है, आप लिख सकते हो, केस है आपका रायचंद वर्सेस दत्ता। रायचंद वर्सेस दत्ता केस 1964। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब कभी भी हम प्रॉपर्टी के मीनिंग को डिफाइन करेंगे, द कोर्ट हेल्ड दैट प्रॉपर्टी इन इट्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंस, द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड इन इट्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंस,
उसके अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में उसके मीनिंग को हम यूज करेंगे, और जब हम उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में मीनिंग को यूज करेंगे तो वहां हम उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी लीगल राइट्स के बारे में बात करेंगे, एक्सेप्ट द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ ओनर। ठीक है, तो आप लिखोगे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रॉपर्टी या मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड इन इट्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंस कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एंड इट कवर्स ऑल लीगल राइट्स ऑफ ओनर, ओनर के सभी लीगल राइट्स जो उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसे कवर करेगा, हिज पर्सनल इंटरेस्ट विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, आगे आप देखोगे इट विल कवर ऑल द लीगल राइट्स ऑफ ओनर एक्सेप्ट हिज पर्सनल राइट्स। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन आता है तीन नंबर में जो कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं, मान लो क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम बाद में डिफाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बताएंगे कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, और रायचंद वर्सेस दत्ता केस 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने किस वे में प्रॉपर्टी के मीनिंग को डिफाइन किया। चलो अब देखो, जो प्रॉपर्टी है इट इज ऑफ टू टाइप्स। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में प्रॉपर्टी के टाइप्स के बारे में बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप सोचो कि इस एक्ट का नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी स्पेशली ना तो हम ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कह रहे हैं ना तो हम ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कह रहे हैं, यानी यहां जो प्रॉपर्टी है उसमें हम दोनों तरह के प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल। हालांकि इस एक्ट में जो ज्यादातर प्रोविजंस हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड है, और इसके कुछ प्रोविजंस मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड हैं, इसलिए हम इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहते हैं। क्लियर, ओके। यानी दिस पर्टिकुलर एक्ट इंक्लूड्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर, आप इतना नोट कर लिए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये केस आपका इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम इंग्लिश लॉ के कंटेक्स्ट में इन कंटेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लॉ देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, एक होता है रियल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो क्या है, रियल प्रॉपर्टी इज द लैंड, रियल प्रॉपर्टी में आपका लैंड आ जाएगा, और एनीथिंग परमानेंटली अटैच विथ लैंड, लैंड के साथ जो कोई भी चीज परमानेंटली अटैच है, लाइक बिल्डिंग हो सकता है, ट्रीज हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं, फार्म हाउस हो सकता है, यानी वो सभी चीजें जो लैंड से क्या है परमानेंटली अटैच हैं, और इंक्लूडिंग लैंड वो सभी किसमें आएंगे, रियल प्रॉपर्टी में आएंगे। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी से जो भी बेनिफिट, जो भी इंटरेस्ट, जो भी राइट अराइज होगा वो इनहेरिट होगा किसके पास, ओनर के पास। ठीक है,
और दूसरा आता है आपका पर्सनल प्रॉपर्टी, ऑल दोज प्रॉपर्टी विच आर नॉट रियल प्रॉपर्टी कॉल्ड पर्सनल प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल क्लॉथ्स, फर्नीचर, कार, ठीक है, टेबल, ये सभी चीजें क्या है, पर्सनल प्रॉपर्टीज। तो ये तो हो गया कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टी इन कंटेक्स्ट ऑफ इंग्लिश बुक। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो अब हम समझेंगे कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो कैसे हो सकता है, किन किन वेज में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा उसे हम समझते हैं। तो बेसिकली कह रहा है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो दो तरीकों से हो सकता है, एक बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और दूसरा बाय एक्ट ऑफ लॉ या बाय एक्ट ऑफ कोर्ट। ठीक, ओके, तो आप लिखो प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड इन टू वेज, दो तरीकों से जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो सकती है, एक बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और दूसरा बाय एक्ट ऑफ कोर्ट। अब चलो हम समझते हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज का मतलब क्या है और बाय एक्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है। देखो कह रहे हैं ये जो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज है इट इज बेसिकली इंटर विवोस इन नेचर, क्या वर्ड है, इंटर विवोस इन नेचर, यानी आप कह सकते हो एक्ट ऑफ पार्टीज इज इंटर विवोस इन नेचर। व्हाट इज इंटर विवोस मींस, इंटर विवोस का मतलब है कि जो ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी का इट विल बी डन बिटवीन लिविंग पर्सन्स ओनली, यानी एक्ट ऑफ पार्टीज क्या है, इंटर विवोस इन नेचर है, यानी जो ट्रांसफर होगा वो लिविंग पर्सन्स के बीच होगा, ट्रांसफर ऑफ व्हाट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो यानी कह रहा है कि प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड इन बिटवीन लिविंग पर्सन्स ओनली, उसे हम कहते हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। अब दूसरा आपका बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ या बाय एक्ट ऑफ कोर्ट, इसे आप बाय एक्ट ऑफ कोर्ट या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी कह सकते हो। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि मान लो इन केस ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन के केस में यानी उत्तराधिकार के केस में, यहां पे क्या है बैक ऑफ पार्टीज यानी इंटर विवोस इन नेचर है, यानी जो दो पर्सन्स हैं जिनके बीच ट्रांसफर हो रहा है दे आर व्हाट, दे आर लिविंग पर्सन्स। यहां पे जो ट्रांसफर होता है वो लिविंग पर्सन्स के बीच में नहीं होता, ठीक है, इट इंक्लूड्स ट्रांसफर इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट, सक्सेशन, सक्सेशन के केस में यानी उत्तराधिकार कौन होगा, आपके बाद आपके बेटे को प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं इंसॉल्वेंसी, इफ अ पर्सन बिकम इंसॉल्वेंट और वो अब उसने जो भी डेट लिया था उसे वो क्लियर नहीं कर पा रहा है तो जो क्रेडिटर है वो कैसे अपनी प्रॉपर्टी को लेगा, वो कैसे अपने डेट को रिकवर करेगा, तो इंसॉल्वेंसी के केस में, सक्सेशन के केस में, ठीक है, और क्या कह रहे हैं फॉर फ्यूचर के केस में, और ऑर्डर ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट अगर ऑर्डर करता है कि कैसे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तो वो सभी चीजें बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत क्या होती है, ट्रांसफर होती है, यानी सक्सेशन हो गया, ठीक है, इंसॉल्वेंसी हो गया, फॉर फ्यूचर हो गया और बाय एक्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब देखो इसके भी क्या होते हैं, दो टाइप्स हो जाते हैं, यानी ये जो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है इसके फर्दर दो टाइप्स हो जाते हैं, कौन कौन से, एक एक होता है टेस्टामेंट्री और दूसरा होता है इंटरस्टेट। क्या होता है, एक होता है टेस्टामेंट्री और दूसरा होता है इंटरस्टेट, इंटरस्टेट। ठीक है, ओके, चलिए समझते हैं। देखो
What do you mean by testamentary? If a person before his death कह रहा है कि मान लो एक person अपने death से पहले made a condition, एक condition उसने written में डाल दिया था will के तहत on how his property will be transferred and to whom it will be transferred, उसे हम कहते हैं testamentary. यानी एक person मरने से पहले written में कुछ conditions लिख देता है कि कैसे उसके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा और किसको ट्रांसफर होगा, उसे हम कहते हैं टेस्टामेंट्री. तो अगर टेस्टामेंट्री प्रॉपर्टी है तो वो भी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत ट्रांसफर होगा. क्लियर, कंफर्म? चलिए दूसरा क्या है, इंटरस्टेट. अब इफ लीगल राइट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन डिफाइंड देन ट्रांसफर इज मेड बाय एक्ट ऑफ लॉ. तो यहां पे क्या है, टेस्टामेंट्री में हमें ये बात पता है कि जो ट्रांसफर होगा वो कैसे होगा और किस पर्सन को होगा. लेकिन इंटरस्टेट में क्या होता है, प्रॉपर्टी किसे ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर का प्रोसीजर और उस प्रॉपर्टी का लीगल होल्डर कौन होगा, कौन पर्सन होगा जिसे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ये सभी बातें अगर हमें नहीं पता है तो वो बाय एक्ट ऑफ कोर्ट के तहत ट्रांसफर किया जाए. क्लियर? दूसरा क्या है, लीगल राइट्स, लीगल राइट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट नल. ठीक है, ओके. तो यानी हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली दो तरीकों से ट्रांसफर हो सकती है, एक बाय एक्ट ऑफ पार्टीज जिसमें दो पर्सन ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों क्या है, लिविंग पर्सन होंगे, और दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जिसमें एक पार्टी क्या होगा, ही इज नॉट अलाइव. ठीक है, ओके. अब अगर हम देखो किसी भी एक्ट को बनाने के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होता है, जिस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने इस पर्टिकुलर एक्ट को लाया या बनाया. ठीक है, सो व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इनएक्टिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी या 1882, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. देखो पर्पस में क्या लिखा है, पर्पस में लिखा है एन एक्ट टू अमेंड, अमेंड एन एक्ट टू अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज. यानी कह रहा है वो सभी लॉज जो रिलेटेड है टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी अगर थ्रू एक्ट ऑफ पार्टीज अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है तो जो भी लॉज रिलेटेड है उस पर्टिकुलर ट्रांसफर से उन सभी लॉज को अमेंड करना इज द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. नाउ व्हाट डू मीन बाय अमेंड, अमेंड का क्या मतलब है? देखो अमेंड का मतलब है सिंपल सा कि आप यू आर मेकिंग सम changes in order to make it better. ठीक है, तो transfer of property act 1882 का purpose है उन सभी laws को amend करना जो कि क्या है, related है to the transfer of property by act of parties. Clear? Confirm? चल अब देखो ये तो basic सा lecture था. ठीक है, जिसमें हमने समझा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है क्या और इसका पर्पस क्या है. अब देखो जब कभी भी आपको किसी एक्ट को पढ़ना है तो सबसे पहले आप उस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं और क्या क्या कंटेंट है उसका एक सिनॉप्सिस आप तैयार करें. जैसे इस पर्टिकुलर एक्ट में अगर हम बात करें तो कुल 8 चैप्टर्स हैं और 137 सेक्शंस हैं. चलिए चैप्टर 1 में क्या बात कर रहा है, चैप्टर 1 में ये आपका प्रिलिमिनरी और सेक्शंस 1 से लेकर के 4 तक. चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 2 है ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज. ठीक है, एंड दिस इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. ठीक, अब ये सेक्शन 5 से लेकर के 53A तक है, इसको फिर से हमने दो भागों में क्लासिफाई किया हुआ है, एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल. ठीक,
और सेक्शन कितना है, सेक्शन 5 से लेकर के 37 तक जो भी प्रोविजंस हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल के बारे में है। और दूसरा क्या है, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि सेक्शन 38 से लेकर के 53 तक। तीसरा चैप्टर क्या है, तीसरा चैप्टर है ऑफ सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और ये सेक्शन 54 से 57 तक है। तो ये जो पूरा आपका जो चार्ट है, कोशिश करो कि आपको इस चार्ट में क्या क्या कंटेंट है, किस चैप्टर में क्या बातें हैं और किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, ये सभी चीजें अगर आपको याद रहती हैं तो एग्जाम में अगर आप भूलते हो कि जो सेल है वो किस पर्टिकुलर सेक्शन में था तो आप रिलेट करके लिख लोगे, ठीक है। और ये जो चैप्टर 4 है तो हम एक एक करके हम पूरे एक्ट को नहीं पढ़ेंगे, हम इस एक्ट में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। और यकीन मानिए कि अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो, नोट्स बनाते हो, तो ईच एंड एवरी सेक्शन में, जिस भी सेक्शन में पढ़ा रहा हूं उस सेक्शन में किस तरीके से किसी चीज को डिफाइन किया गया है वो चीज मैं आपको याद कर दूंगी। तो आई होप कि ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।